मुझे हमेशा से प्रकृति से प्यार रहा है, मुझे जंगल पसंद है, मुझे पैदल यात्रा, कैंपिंग और मछली पकड़ना पसंद है। इस अवसर पर मैं 15 मिनट तक एक झील के किनारे रहा, जब अचानक मुझ पर भय की ये एक जबरदस्त भावना छा गई। मैंने नदी के किनारे वापस जाने के लिए अपना हेडलैम्प चालू किया और एक बड़े गुलर के पेड़ के ठीक पीछे मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जानवर उसके पास घुटनों के बल बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने अपनी आंखें उस पर टिकाई, मैं पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। मुझे पता था कि मैं वहां निश्चित रूप से कुछ देख रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग इसे समझ नहीं पा रहा था। मैं जो देख रहा था उसका कोई मतलब नहीं था। मैं खुद से कहता रहा, जानवरों को ऐसा नहीं दिखना चाहिए। जब मैं ये सोच रहा था, ऐसा लगता है जैसे इस चीज ने मेरे मन को पढ़ लिया है। खड़ा हो गया और पूरी तरह से दिखाई देने लगा। अब उसे क्या आप जानते हैं जिन राक्षसों के बारे में आपके माता पिता ने आपको बताया था कि वे असली नहीं हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते? मैंने पहले भी डॉगमैन के बारे में सुना था, लेकिन कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये चीजें पूरी तरह से अनुकूलित हत्या मशीनें हैं। जिस तरह से उसके हाथ और पैर दिख रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वह दो पैरों के साथ साथ चारों पैरों पर चलने के लिए भी पूरी तरह से अनुकूलित था। इस अनुभव ने मुझ में बहुत बड़ा छेद कर दिया है और लोगों को इन चीजों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। वे वास्तविक होने के साथ साथ खतरनाक भी हैं।